हेलो हेलो, धन्यवाद रोशन पाटिल सर और उसके साथ साथ ओमकार शेट्टी जी। चलिए थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए डीजे मास्टर। तो विशाल मात्रे का भी तेज दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने देर से आए लेकिन दुरुस्त आए इस मैदान के ऊपर, लेकिन मैच के बन गए मैन ऑफ द मैच। और बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये विकेट से ऐसा लग रहा है उन्हें के थाने डंबोली पर भी खेल रहे हैं, तो ये विकेट मैदान की तो चलते हैं मैदान की तरफ। तो चलेंगे एक बिग फाइट मुकाबला जो कि आज के दिन की बात करेंगे, तीसरा मुकाबला। एक दोनों टीम मजबूती टीम माने जाएंगे, जयदुर्गा रोहिंजन कौसा के बीच में मुकाबला। तो यहाँ पर टॉस जीतकर जयदुर्गा रोहिंजन टीम ने यहाँ पर बल्लेबाजी का फासला लिया है। बिल्कुल अच्छी सोच है क्योंकि इस टीम को हम हमेशा देखते हैं गेंदबाजी उनकी आक्रामक मानी जाती है, तो एक अच्छा लक्ष्य रखना चाहेंगे इस मैदान के ऊपर। जैसे पिछले मैच को अगर याद किया जाए तो बिल्कुल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने विशाल मात्रे, जिन्हें सेल्फी ग्रुप की तरफ से हम देखे ट्रॉफी के साथ मिठाई की बॉक्स। सलमान पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं सेल्फी ग्रुप के, बिल्कुल आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और कल एक मिठाई की बॉक्स हर दिन कमेंट्री बॉक्स पर भी लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जब टेस्ट लेंगे तो फिर बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच मिला, क्योंकि कमेंटेटर अगर उसका लुत्फ उठाएंगे तो बताएंगे कि ये मैन ऑफ द मैच के ऊपर जो सेल्फी ग्रुप की जो मिठाई है कैसी टेस्ट है। लेकिन मैदान के अंदर देखिए अच्छी क्रिकेट से तारीफ करना चाहूंगा रोशन जी, इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ किया जाए उतने कम हमारी जुबान से, जितनी बार तारीफ निकले इस टूर्नामेंट के लिए शायद उतना कम होगी। और देखिए हमारे माननीय मेहमान नवाज जी जो परंपरा रीति रिवाज, देखिए हमारे नूर पटेल साहब भी यहाँ पर इस मैच के आनंद ले रहे हैं। चलिए सेल्फी ग्रुप धन्यवाद। देखिये जयर भाई जिन्होंने जुबान से हमारी निकली बोली और उनकी बंदूक से जैसे आ गई मिठाई की गोली। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी यहाँ पर दो रनों के ऊपर एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए अच्छी गेंद पूरी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज को किया चारों खाना चीत। देखिए बिल्कुल से कौशा के 12 खिलाड़ी बता रहे हैं, 13 खिलाड़ी बता रहे हैं, काफी टेस्ट है यहाँ पर। और मैं हमेशा कहता हूँ मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मुकाबला के इंतजार रोशन जी, अभी तक बात करेंगे दो मुकाबला। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पर 3 रन, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला माना जाएगा रोशन जी, क्योंकि मैदान दर्शकों के हर तरफ हम देख सकते हैं मैदान की हर तरफ दर्शक, थोड़ी सी तादाद कम है लेकिन YouTube के माध्यम से कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस मुकाबला को देखने के लिए। तो कौसा बात करेंगे तो बिल्कुल थाने यानी नीलेश वीर गेंदबाजी के लिए अच्छी बात है। देखिए इस टूर्नामेंट में इतनी लंबी से दूर मेहमान टीम मानी जाएगी, रोहिंजन की बात करेंगे तो यजमान टीम मानी जाएगी, नजदीकी टीम है यजमान मेहमान के बीच में मुकाबला, तो देखते हैं कौन सी टीम। और अपनी होम ग्राउंड पर रजिस्ट्रार वेट टीम भी देखने को मिलेंगे। क्या बात है जहीर भाई बता रहे हैं, जो सीएम चषक की ट्रॉफी और जो मैन ऑफ द सीरीज पहली मरतबा और उसका जश्न इस मैदान के ऊपर मनाया जाएगा कुछ समय बाद। तो इसी बीच सुधीर पाटिल साहब करोले उनसे बुलाना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए सुधीर पाटिल साहब। हमारे आयोजन करता हूँ आपको याद करते हुए तौसीफ पटेल जी, पूरी जहीर पटेल जी और निकेश मात्रे, देखिए अभी से अभ्यास कर रहे हैं कहीं ना कहीं बल्ला लेकर। और यहाँ पर जयदुर्गा रोहिंजन टीम की बात करेंगे ना, हमेशा उनकी कमजोरी की बात करेंगे ना, थोड़ा सा बल्लेबाजी, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो काबिलियत है, 5 ओवर की मुकाबला में 50-60 रन बना सकते हैं। अगर उसके लिए क्या थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि कौशिक आपके सामने जब कोई नया टीम आ जाती है तो दिक्कत बनती है, क्रिकेट तो वही रहता है लेकिन कभी कभी खिलाड़ी अलग होते हैं ना, तो उनकी गेंदबाजी एक्शन लीजिए, उनकी गेंदबाजी किस तरह से, ये सब थोड़ा समझना मुश्किल होता है।
और ये देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल किया, कमाल की टाइमिंग यहाँ पर, पॉइंट के फील्डर को यहाँ पर वीट किया और आउटफील्ड यहाँ की काफी तेज है और उसका सीधा साधा देखिए यहाँ पर उदाहरण आता हुआ 4 रन। तर या दरम्यान सन्माननीय आदरणीय अरुणजी गोरपेकर नारिवली आणि त्यानंतर अरुण पाटील पेंदर आणि त्यानंतर चौकचे आमचे सचिनजी मध्ये आणि बारापाडा गावचे आमचे साबीरभाई दलवी, त्यानंतर सन्मान्य सुधीर पाटील सिद्धी करवले यांना देखील विनंती आहे आपण यावं व्यासपीठावरती। रशीबाजी चांनी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे, क्रिकेटमध्ये प्रचंड प्रेम, क्रिकेटची आवड आणि त्यांना या ठिकाणी आपण पाहतो व्यासपीठावर त्यांचं आगमन होताना। स्वागत आहे आपलं फोटो बाबूचा, क्या बात है रोशन जी, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी प्यार प्रेम इस स्टार हुए कि हम देख रहे हैं बिल्कुल से, और शिल्पी ग्रुप हम देखे एलईडी के स्क्रीन पर आए थे बिल्कुल से, और काफी यहाँ पर माहौल के हम देख रहे हैं अंपायर बेहतर माहौल, एक टीम भी ताकतवर टीम। बाबूशाह एक मिनट रुकाना चाहूंगा, अंपायर उसे गुजारिश है कि मुकाबला शुरू होते ही 25 मिनट का आपको टाइम देना है हर टीम को, ऐसा नहीं कि एक टीम के ऊपर हम अन्याय करें और एक टीम के साथ न्याय करें, दोनों के लिए बराबर रहेगा रोशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों अंपायर को इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा नो डाउट सर, क्योंकि 25 मिनट की समय बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय में 5 ओवर 20 मिनट में समाप्त करना पड़ता है आपको, और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, कवर के फील्डर को वीट किया यहाँ पर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर यहाँ पर कोशिश करते हुए लेकिन गेंद को यहाँ पर रोकने में नाकामयाब, 4 रन। और इसी बीच सदाशिव टांडेल जी तशरीफ रखते हुए उनकी भी स्वागत है। चलिए भाई एक निथलेश के खिलाड़ी, तो निथलेश के खिलाड़ी का किसी ने अंपायर के पास घड़ी रखे थे भाई, तो निथलेश के कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं तो आइए आकर लेकर जाइए, नहीं तो हमारे पास ही जमा रहेगा आप ले सकते हो, क्योंकि बात करके निथलेश MIDC से और हम भी बिल्कुल से MIDC पे काफी वक्त इस समय यानी महाराष्ट्र पर जब तशरीफ रखे वहां पर अभी तक मौजूद इन दोनों बल्लेबाजी की बात करेंगे ना। चलिए दिनेश पौशे का घड़ी था बिल्कुल, उनके खिलाड़ी आकर ले चुके हैं, तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 13 रन और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, मैं कहूंगा अभी तक बल्लेबाज को बांध कर रखे, कौसा टीम कहीं ना कहीं पर टॉस जीते के बाद टॉस हारे, यानी टॉस जीतने के बाद जयदुर्गा रोहिंजन टीम ने बल्लेबाजी का न्योता लिया, और अभी तक बात करेंगे ना पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं, खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, शायद इस ओवर पर बात करेंगे एक चौका लगा है लेकिन अभी भी काफी मेहनत करनी होगी। भरत गायकर फिर से एक बार और ये देखिए भाई गेंद बीमार गेंद और गेंद को पहुंचा दिया सीधा तारामंडल 6 रनों के लिए। तो कौशल टीम के फील्डर ने यहाँ पर देखिए पहले बीमार गेंद 9 बॉल 6 रन, तो ऐसा ये इस मैदान के ऊपर रोशन जी बात करेंगे ना फेंदर के आवक नेवरुलकर के साथ भी हो चुका था लेकिन उन्होंने मैच जीते आखिर में, लेकिन ऐसा नहीं कि कौशल टीम के साथ भी ये होगा इतिहास, क्रिकेट है दोस्तों हर मैच पे इतिहास बदलता रहता है, तो आपको ये गलती सुधारनी होगी, और उसके साथ साथ देखिए अंपायर ने वार्निंग भी दे दी फ्री रहेगा गेंद के ऊपर, अगर दूसरी मरतबा ऐसा काम करते हैं ना इस ऊपर पर फिर आपको गेंदबाजी से हाथ धोनी होगी। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 21 रनों के ऊपर एक अच्छी साझेदारी बनता हुआ, और ये देखिए उड़ाया फ्री हिट की गेंद के ऊपर फील्डर हैं लेकिन बन जाएंगे कहीं ना कहीं यहां पर दर्शक, 1 बाउंस लेने के बाद गेंद सीमा रेखा पार फॉर रन्स। थैंक यू डीजे। तर आपण पाहतोय काल सीएम चषक स्पर्धेमधली मॅन ऑफ द सिरीज ज्या खेळाडूला मिळाली होती स्टार ओबे गावचा एक अतिशय दर्जेदार फलंदाज निकेश मात्रे जी, आपण पाहतो टू व्हीलर बाईक या ठिकाणी मैदानी दाखल होताना खूप चांगला क्रिकेट निकेशनं दाखवला काल सीएम चषक स्पर्धेमध्ये। तो बिलकुल सो बात करेंगे रोशन जी, देखिए सीएम चषक पर खिताब जीते और यहाँ पर आमदर चषक
कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में काफी रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। और देखिए ट्रॉफी भी सबसे ऊंची लंबा और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज के पीछे देखिए क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कह सकते। शायद ये फोर व्हीलर भी वो के किसी खिलाड़ी के नाम हो सकता है, लेकिन ये सब कहीं ना भविष्यवाणी करना मुश्किल। क्रिकेट है जिस तरह की यहाँ पर कल के दिन के ऊपर भी अच्छी क्रिकेट और कमाल की टाइमिंग देखिए क्रिकेट का यहाँ पर क्लास दिखाते हुए फील्डर के पास कोई मौका नहीं। स्ट्रक ओवर बाउंड्री लाइन फॉर रन्स। और यहाँ पर बात करेंगे ना रोशन जी, बल्लेबाज ने इरादा बना लिया यहाँ पर जय दुर्गा रोजन टीम के बल्लेबाज ने बना लिया, कम से कम 60-70 रखना होगा अगर यहाँ पर इनिंग को डिफेंड करना है तो पूरी तरह से। और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को खेला अपने फॉलो थ्रो में फील्डर गेंद को रोकते हुए भरत गायकर जिन्होंने इस ओवर पर महंगे साबित हुए। पहली ओवर बात करेंगे अच्छी गेंदबाजी 8 रन कोई सफलता नहीं। दूसरी ओवर पर बात करेंगे अभी तक कोई सफलता नहीं, एक रणनीति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। रोशन पाटिल बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह की क्योंकि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है कोई विकेट नहीं, एक समझबूझ की क्रिकेट देखिए 29 रन्स। तो रोशन जी आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना लक्ष्य एक बनेगा? तो मेरे हिसाब से 60-70 कम से कम पिछले मैच को देखा जाता है, आपको क्या लगता है क्योंकि इस रोइंजन टीम जो गेंदबाजी की ताकतवर मानी जाती है कौशल टीम है तो कितना लक्ष्य होगा तो एक आसान लक्ष्य बन सकता है। यस, जब इस नाने फेकिंग का कॉल झाला, नाने फेकिंग का कॉल जिंकला रोइंजन संघाचा संघनायक आशिषने आणि त्यांनी म्हटलं होतं मी जास्तीत जास्त धावा पहिल्या सत्रामध्ये करू फलंदाजी स्वीकारून, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं कौशल संघाच्या संघनायकाने सांगितलं होतं किमान 55-60 धावांपर्यंत आम्ही रोइंजन टीमला या ठिकाणी धावांपासून रोखू। मग इथे आपण पाहतो ज्या प्रकारची फलंदाजी होत्या एका चांगल्या टार्गेटकडे वाटचाल करताना आपण पाहतो रोइंजन बी टीम। तर बिलकुल बात करेंगे रोशन जी, देखिए यहाँ पर जमा मस्जिद के मौलाना जी यहाँ पर तशरीफ रख चुके हैं, बिल्कुल उनका भी तहदिल से स्वागत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। और काफ़ी देखिए यहाँ पर मेहमानों के यहाँ पर हम देख रहे हैं खातिरदारी शर्मा ने सालों फूलों की गुलदस्ता देकर, लेकिन आपने अच्छी बात बताई एक फाइट टोटल बनानी होगी। और ये देखिए गेंद को खेलना चाहते थे कहीं गेंद निकला कहीं, लेकिन जो रन बनाने का था इरादा तो पहला रन मुकम्मल किया और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए। और कौशल टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियां कर रही है यहाँ पर रोशन जी, जिस गलतियों की कीमत चुकानी होगी। ऐसा नहीं कि इस मुकाबला में नहीं, हमने जितने भी यहाँ पर क्योंकि बात करेंगे जिस तरह के पहले मैच हमने देखे जोएली टीम ने थोड़ा फील्डिंग में खराबी, विश्वास पाटिल बाबू की कैच छोड़ी और उन्होंने 33 रनों की इनिंग्स खेल दी और गेंदबाजी में लाजवाब। और ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश है, टाइमिंग बड़ी बेहतर, लॉन्ग ऑन फील्डर सीमा रेखा पर तैनात है, बड़ी लंबी ग्राउंड है रोशन जी, यहाँ पर छक्का लगाना इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह से दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सेट हो चुके हैं ना तो सेट होने का यहाँ पर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। ओमकार पाटिल से देखिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए और ओमकार शेट्टी यहाँ पर एक बेहतर कॉमेंटेटर हमारे साथ। और ये देखिए भाई घुटनों का क्या इस्तेमाल, लेकिन पहली सफलता का इंतजार और काफी समय इंतजार करनी होगी। तो कौशल टीम के समर्थक जो उनके दर्शक इस मैदान के ऊपर हैं या यूट्यूब के माध्यम से अभी भी इंतजार करूंगे कि पहली सफलता कब मिलेगी, पहली साझेदारी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जयदुर्गा रोइंजन टीम को अपनी सोच इरादा बदल देनी होगी क्योंकि आपने काफी वक्त बिता चुकी है, रन भी आ चुकी है, लेकिन अब बड़ी हिट के लिए। लेकिन कहते हैं ना तू तेल इतनी लगाती है कि मैं हर बार फिसल जाता हूं, तो उसी तरह की यहां पर जब भी बड़ी हिट खेलने की कोशिश की पॉइंट फील्डर से आसान से कैच बनाते हुए। रोशन जी बात करेंगे बल्लेबाज सेट होने के बाद इस तरह की कमजोरी शॉट लगाकर आउट होना, मैं कहूंगा ये कहीं ना थोड़ी सी खराब क्रिकेट मानी जाएगी। जब साझेदारी इतना रनों की बन चुकी है, 32 रनों की साझेदारी बनने के बाद आप इस तरह की मिस टाइमिंग शॉट खेलकर आउट होते हो, कहते हैं ना दोस्ती करनी है तो भाई कांटों से दोस्ती करो, फूलों से मत करो, क्योंकि फूलों से दोस्ती करोगे तो फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और कांटों चबने के बाद भी याद आता है। देखिए संतोष नानेकर जी जिन्होंने अपनी मेहनत से उन्होंने फूलों से दोस्ती नहीं की, फूलों से दोस्ती करते तो अभी तक मुरझा जाते, उन्होंने कांटों से दोस्ती की, जोखिम लिया। और कहते हैं ना जो हाथों में कांटों को उठा लेता है ना फूल भी उसको नसीब होती है, जो कांटों को हाथ में उठा लेता है तो फूल भी उसको नसीब होती है। कौशल टीम देखिए कांटों को शायद हाथों पर उठाया, उत्साहित और विश्वास भी देखते हुए फूल भी देखिए उसको नसीब होता हुआ। आशीष पाटिल आए थे बड़े हिट लगाने के लिए लेकिन एज लिया हल्के से, लेकिन जावेद फरीद साहब का तारीफ करना चाहूंगा वक्त लिए। और वो कहीं कहीं अंपायर है ना थोड़ा बल्लेबाज की तरफ भी देखते हैं, कहते हैं ना दुनिया कभी कभी ईमानदारी से बिगड़ रही है, तो इसलिए अंपायर भी आजमा रहे हैं कि बल्लेबाज विकेट छोड़ रहा है कि नहीं, तो आखिरकार यहाँ पर सफलता मिलता हुआ।
तो देखिए यहाँ पर आशीष पाटिल बात करेंगे, एक बल्लेबाज जो ब्रेटली माने जाते हैं लेकिन उन्हें प्रमोट किया गया था बल्लेबाजी के लिए। हम इंटरनेशनल में भी कभी देखते हैं जैसे इरफान पठान को एक समय ओपनर बल्लेबाज बना दिया गया था, पहले वन डाउन पर उसके बाद ओपनर बल्लेबाज बना दिया गया था। तो उसी तरह के आशीष पाटिल बड़े हिट इस साल काफी खेले हैं, किरोली के मैदान के ऊपर पहली नंबर खिताब जीतने वाली टीम है रोशन जी, इतना छोटे नहीं माना जाएंगे क्योंकि टेनिस क्रिकेट में काफी तहल का मचाने वाली टीम है। तो कौशा के लिए पहली मर्तबा मैं हूँ। तो अभी तक बात करेंगे उनके फील्डर और गेंदबाज मेहनत कर रहे हैं लेकिन जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे उनके सामने स्कोर बोर्ड क्या होगा, कम से कम 60-65 तक बनेगा ना तो फिर फाइट मुकाबला होगा। तो 3 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त और मैदान के अंदर होगी ड्रिंक्स। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 34 के ऊपर रुका हुआ है। तो चलते हैं एक बार डीजे मास्टर के पास, लेकिन उनसे पहले जाने से पहले एक बार बुलाना चाहेंगे जो इसके बाद अगला मुकाबला है, क्विक फाइट मुकाबला चौक बारापड़ा के बीच में। तो दोनों टीम के कप्तान आपको जैसे इनिंग की समाप्त होगी टॉस के लिए आना होगा। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए मैदान के अंदर ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते हुए और रोशन जी कहते ना दिल ने ना जाने कितना घायल हुआ और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान के अंदर कितना बिस्लेरी पिया, तो शायद ही उनकी 12 खिलाड़ी बता सकते हैं। और देखिए सीएम ट्रॉफी जो चमकता हुआ ट्रॉफी, जेर भाई कल तो मौजूद नहीं हो पाए सीएम पर क्योंकि आज उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी आनंद लिए होंगे। आज देखिए उनके चेहरे पर कितनी खुशी की लहर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जेर भाई पूरी कहीं ना कहीं ग्रामस्थ मंडल से हुआ, यानी सबके दिलों में खुशियों 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 की लहर जब उनके सरजमी के ऊपर रोशन पटेल इतना बड़ा आयोजन देखिए यहाँ पर जिसे विशाल मात्रे ने बताए। देखिए सीएम ट्रॉफी जो यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शक देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये ट्रॉफी बदल गया क्या इस टूर्नामेंट पर, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये ट्रॉफी कल सीएम चषक पर लिए थे। रोशन जी क्या कहना चाहोगे? यस बाबू, खऱ्या अर्थाने कामोटाचं मैदान खूप लकी आहे स्टार ओबे टीमला, कारण पहिली नाईट स्पर्धा रायगड मध्ये आपण पाहिली आमदार चषक, त्या स्पर्धेमध्ये देखील रनर अप ठरला होता स्टार ओबे टीम, आणि काल देखील आपण पाहिलं तब्बल 165 टीम मधून सेकंड क्रमांकाचा मानकरी ठरला स्टार ओबे संघ, आणि मॅन ऑफ द सिरीजचा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार देखील स्टार ओबे क्रिकेट क्लबच्या एका खेळाडूने पटकावला म्हणजे निकेश मात्रेचं आपण देखील या ठिकाणी स्वागत आणि कौतुक करूया। बिल्कुल बिल्कुल सर, रोशन जी का कहने का मतलब हो गया स्टार ओबे टीम जब भी आउटफॉर्म पर हो कामोटे के मैदान पर जाइए, वहां से अपना परफॉर्मेंस बनाइए, फिर से अगले मुकाबले के लिए संघर्ष करिए लॉकी मैदान से। अच्छी बात आपने बताई, देखते हैं टीम तो इस साल बड़े अच्छे कर चुके हैं लेकिन एक समय इनकी भी एक समय आउट फॉर्म था पिछले 2 साल, जाकर देखा जो क्रिकेट है मैं यही कहता है कि वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर आखिरी बची हुई 12 गेंद के पर, कहते ना जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 12 गेंद पर अपना 10 कदम दिखाना। और देखते हैं यहाँ पर कौशा टीम तो 10 कदम दिखाने के लिए यहाँ पर, लेकिन फील्ड की सजावट देखिए, फील्ड प्लेसमेंट देखिए, रोशन जी तारीफ करना चाहूंगा फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी और विकेट के बीच में रनिंग बिटवीन विकेट से दोनों बल्लेबाज, ये भी अच्छी सोच है कि इतना हाईओ में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, चौके छक्के लगाना मुश्किल है तो फिर सिंगल डबल चुरा लीजिए। और सिंगल डबल के साथ टोटल देखिए, सिंगल डबल से 36 रन, लेकिन कहते ना सिंगल डबल को जिससे है नफरत वो है सोहेल पटेल, क्योंकि सोहेल पटेल बात करेंगे सिंगल डबल से उन्हें काफी नफरत है, हमेशा चौके छक्के से रखते हैं मोहब्बत है। लेकिन यहां पर देखिए जयदुर्गा रोहिंजन टीम है सिंगल डबल से अपने टोटल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्के भी दिखानी होगी क्योंकि बगैर चौके छक्के से आप मुकाबला को आगे नहीं ले सकते क्योंकि लंबी टावर लंबी, देखिए यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। रोशन जी हम ये नहीं कहेंगे कि बल्लेबाज कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कौशल टीम के गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी, और मैं हमेशा कहता हूँ जो हौसला रखते हैं आसमान छूने की वो परवाह नहीं करते हैं जमीन पर गिर जाने के। तो यहाँ पर कौशल टीम ने टॉस हारने के बाद हौसला उम्मीद नहीं खोया इस मैदान के ऊपर अभी तक, लेकिन रोहिंजन टीम के बल्लेबाज को यहाँ से अपनी सोच इरादा बदलनी होगी, जैसे कितना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद तो ये रोहिंजन टीम बाउंड्री कब लगाएगी, काफी समय से उनके दर्शकों के दिमाग में ही चल रहा होगा क्योंकि मुकाबला तो समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, अभी भी यहां से 10 गेंद बचा हुआ है, अभी भी काफी वक्त है। बात करेंगे दूसरी ओवर का, जब खेल समाप्त हुआ था तभी 2 चौका लगा था, तीसरे ओवर पर कोई चौके नहीं, अभी तक चौथे ओवर हो चुका है अभी तक कोई बाउंड्री या छक्का नहीं, और इस इनिंग्स में भी बात करेंगे छक्का नहीं। और ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला यहाँ पर, पहला रन तो मुकम्मल किए, दूसरे के लिए यहाँ पर शायद यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ, सिंगल डबल से काफी रन चुरा रहे हैं कहीं ना कहीं रोशन जी, जैसे कितना एक एक बूंद से समंदर बनती है
और एक एक ईंट से इमारत बनती है। देखिए आप एलईडी स्क्रीन पर देखिए, यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे, ये फोर व्हीलर्स मैन ऑफ द सीरीज पहली मरतबा इस रायगढ़ के सरजमी के ऊपर नाम में स्टार हुए बात करेंगे, और उन्होंने लगा दी इस टूर्नामेंट में फुल स्टार स्टार स्टार। किसकी नसीब, ये तो आखिरी दिन है, और इसमें काफी नियम भी रखा गया है, और ये देखिए फुटवर्क का किए थे इस्तेमाल, और अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करेंगे जैसे बल्लेबाज के पैर में बेड़िया बांध कर रखे हैं, और ये देखिए रोहिंजन टीम ना ये सोच रहे हैं, ये यही नहीं सोच रहे हैं कि, और देखिए ये भाई बड़ी गलती कहीं ना कहीं यहाँ पर है। इस तरह की रहन बहाना ऑफ मैच, एक सिंगल सिंगल की अहमियत को आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बल्लेबाज को जहाँ एक रन बनाना चाहिए था ऊपर तीन रन बना लिया, और टोटल देखिए कहाँ पहुंच गया 43 रन, क्योंकि सिंगल डबल बनाने वाले राहुल द्रविड़ देखिए 10,000 रन कैसे बना लिया, ऐसे नहीं कि चौकी छक्के से, तो उसी तरह की यहाँ पर जयदुर्गा रोहिंजन टीम 50 के करीब पहुंच रहा है धीरे धीरे जाकर, और ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, यादव की सौगात लिया, और ये भाई ये गलती से बचनी होगी, रोशन जी कहते ना शेर के पूछ पे अगर पैर मारोगे तो पप्पी नहीं वो झप्पी देगा, अगर आप इसी तरह की गलती करोगे ना फिर टोटल आगे बढ़ेगा, और जब 50 के ऊपर टोटल जाएगा ना तो ये जयदुर्गा रोहिंजन टीम हम उनकी गेंदबाजी देखते हैं, क्योंकि उनकी असली ब्रह्मास्त्र ना उनकी गेंदबाजी, वो चाहते हैं कम से कम 55 तक हम पहुंच जाएं, 60 तक पहुंच जाएं, फिर उनकी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे गेंदबाजी में, और देखिए यहां पर कवर ड्राइव खेले, यहां पर उछाल भरी गेंद थी, मुश्किल था पहला रन और आंखों में यहां पर दूसरा रन, हर गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग हो रही है, और जिसका फायदा पूरी तरह से रोहिंजन टीम को मिलता हुआ, तो टॉस जीतने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक देखिए 46 रन बना चुके हैं, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तो इसके बाद जो चौक बारहपड़ा के बीच में मुकाबला है, तो दोनों टीम के कप्तान आपको आना होगा टॉस के लिए। चलिए जिलानी पटेल भी कुछ परेशान हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो जिलानी पटेल भी परेशान रहेंगे, उसके साथ साथ पूरे उनके आयोजनकर्ता भी परेशान है, और खुशी की लहर आएगी क्योंकि सीएम चषक देखिए इतनी बड़ी खिताब और उसके बाद इस मैदान के ऊपर। चलिए भाई सब स्टार हुए के खिलाड़ी यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि आपको भी आगे का मुकाबला खेलना है और इस टूर्नामेंट को भी ध्यान रखना है, और जहीर भाई मैं तारीफ करना चाहूंगा कल आपके खिलाड़ी सीएम चषक के ऊपर आपने जिस तरह के यहाँ पर उस जिम्मेदारी को निभाई वो काबिले तारीफ, और इसके साथ साथ मैं ग्रामस्थ मंडल ओए के भी तारीफ करना चाहूंगा और जितने भी मान्य पर यहाँ पर मौजूद हैं, निकेश मात्री, शोएल पटेल, तौसीफ पटेल, और हमेशा हमें भी सुहास से काफी प्यार मिलता है, स्टार हुए हो या इम्बा पटेल लीजिए, अशरफ जी लीजिए, जहीर भाई बिल्कुल साफ के जितने खिलाड़ी और दर्शक हमेशा याद रहती है इस टूर्नामेंट के लिए। तो अभी तक बात करेंगे 4 ओवर का खेल समाप्त, और हमारे साथी स्कोर बेहतरीन स्कोरिंग का भूमिका बिल्कुल सोमनाथ पाटिल वाजी, जिन्होंने यहां पर इतिहास के पन्नों पर बता रहे हैं 46 रन, कितनी खूबसूरत स्कोरिंग है, और रोशन जी देखिए हमारे स्कोर सोमनाथ, काश हम भी कागज के टुकड़े होते उनके हाथों में चिपके होते हैं। चलिए भाई निकेश मात्रे बैठ जाइए, आप भी यहाँ क्यों बैठे हो, तो ये भी देखना चाहिए ना कि ये वाइक मिला किसको, निकेश मात्रे के नाम से सब वाकिफ हैं। चलिए अंपायर की तरफ से कुछ सिग्नल, टाइमिंग और 2 रनों की पेनल्टी कोसा टीम को, मैं कहूंगा ये पेनल्टी लगी उनकी गेंदबाजी देर, उसके साथ साथ फील्डिंग में कुछ खराबी हो रही थी, तो ये पेनल्टी ऐसे नहीं कि कोसा टीम को लगी, आगे ध्यान रखिए भाई हर टीम को लगेगी, 25 मिनट के अंदर इनिंग को समाप्त करनी होगी, जब चाहे स्टार हुए टीम हो, स्टार हुए को तो काफी जल्दी पेनल्टी लगेगी, और यहां पर देखिए बल्लेबाज रनआउट के रूप में, आखिरी ओवर हमेशा चौके छक्के की ओवर होती है, लेकिन यह बार रनआउट। क्या बात है, डीजे मास्टर भी देखिए उनकी उदासी बता रही है, क्योंकि चौके छक्के नहीं रहे, उन्हें भी मौका नहीं मिल रहा है, और विकेट के ऊपर है ना डीजे मास्टर को भी मजा नहीं आता है उनके संगीत एक देने के लिए, क्योंकि एक तो बल्लेबाज मायूस होकर आता है, अगर उसके चेहरे को देखकर संगीत बड़ी बेहतर लगाने की कोशिश करने में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन जब चौके छक्के लगती है ना तो डीजे मास्टर का दिल भी लुभाता है। डेनी है डीजे मास्टर, डेनी बड़ी खतरनाक नाम है बॉलीवुड में, कहते ना आग जलाता है, पानी बुझाता है, भाई जी तड़पाता है, जो बलवान में डेनी ने बताया था, एक खतरनाक है।
और ये देखिए भाई कौसा टीम हर गेंद के ऊपर अपील, लेकिन यहां से दूसरा वार रनआउट जहां रनों की होनी चाहिए थी बरसात और वहां पर विकेट की झड़ी। तो देखिए हम देख सकते हैं जो स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है किस तरह के यहाँ पर बल्लेबाज रनआउट हो रहे हैं और YouTube के माध्यम से भी दर्शक बड़े खुश होंगे। टेनिस क्रिकेट लाइव और इसके साथ साथ आयोजनकर्ताओं को तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जो कुछ भी जहीर भाई है ना यहाँ मैं कहूंगा हर आयोजनकर्ता लीजिए यहाँ पर थाने रायगढ़ कहीं भी लीजिए हमेशा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो गेंद हो चुका है दो विकेट रनआउट के रूप में और ये देखिए भाई ओवर हैट्रिक बनता हुआ यहाँ पर, लेकिन पहले दो बल्लेबाज रनआउट और उसके बाद देखिए विक्रम को किए चलते। तो जहीर भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रनों की यहाँ पर मैं कह रहा था बरसात करनी थी और वो अंकुश लगता हुआ। बाबूशाह यहाँ पर जिस तरीके से इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज क्लीन बॉल आउट हुए, एक वक्त ऐसे स्टम को उखाड़ा करते थे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज, उसी तरीके का स्टम्प उखाड़ कर फेंक दिया इस गेंदबाज ने। तो बिल्कुल आपने सही बताया, पहले गेंदबाज ही उखाड़ देते थे लेकिन आजकल बल्लेबाज खुद उखाड़ लेते हैं चौके छक्के के कोशिश में। जैसे कहते हैं ना टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, अगर मुझसे चौके छक्के नहीं होता है तो फिर खुद को डिलीट कर दूंगा। तो बल्लेबाज ऐसे ही काम कर लेते हैं, देखते हैं अगर चौके छक्के नहीं होता है तो खुद को डिलीट कर देते हैं। और ये देखिए भाई काफी समय से चौके छक्के नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर काफी गलती हो रही है। नो बॉल्स बीमर गेंद ओवर स्टेप हो यहाँ पर गेंदबाज थोड़ी हमारी सी निगाह मैदान के अंदर नहीं मेहमान की तरफ थी, होता रहता है। जहीर भाई है हमारे करीब और उन्होंने काफी कुछ हमारे कमेंटेटर में सुधार दिए हैं, जब भी कोई चीज की मुझे दिक्कत हुई है उन्होंने बताई है अच्छी अच्छी बातें कि किस तरह की कमेंट्री करनी चाहिए और हमेशा बड़ों की कहा सुनो तो फिर इस मुकाम तक तो पहुंचेगे रोशन जी। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी भी 47 रन, क्या 50-55 की जो सपना देखे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे, उसके लिए एक ही 47 का इस्तेमाल करना होगा। और ये देखिए भाई अपील और उसके साथ विश्वास भी अंपायर ने दिखाई लेकिन नो बॉल फ्री हिट है। ये देखिए फ्री हिट का फायदा इसलिए नो बॉल्स, देखिए यहाँ पर जावेद फरीश अब वो कभी चकमा नहीं खाते हैं लेकिन उन्होंने भी आज खा गए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई लैला के शादी में लफड़ा हो गया मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। ये क्रिकेट ऐसा है ना, ये क्रिकेट ऐसा है ना अच्छे अच्छे को लंगड़ा कर देती है, इसलिए क्रिकेट में कभी घमंड मत करिए। और ये देखिए गेंद को हल्के हाथों से खेला किनारा लिया बल्ले का यहाँ पर और देखिए ड्राइव लगाते हुए भाई कौशल टीम ने मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे रईस सेठ देखिए यहाँ पर रईस सेठ यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तो उनका भी तहदिल से स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और रईस सेठ आते ही मुझे रईस पिक्चर की याद आ गई कि हम क्या शरीफ हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, ये शाहरुख खान के अंदाज थे। और हमारे रईस सेठ यहाँ पर देखिए तशरीफ रखते हुए तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और ये देखिए अच्छी गेंद जिसमें अपील दिखाई दी लेकिन विश्वास की कमी, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर यहाँ पर सिंगल डबल से टोटल को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। और जयदुर का रंजन टीम रोशन पाटिल बात करेंगे, काफी यहाँ पर सिंगल डबल का सहारा लिए लेग भाई के रूप में, रन कैसे हुआ है उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा हर रन। तो चलिए इसी बीच 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करेंगे ना, टोटल 51 रन। तो ये टोटल इतना बुरा नहीं माना जाएगा, क्रिकेट में कहते हैं ना किसी भी चीज को छोटा मत मानिए, जैसे कहते हैं ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है और क्रिकेट में हमने देखे हैं जीत के करीब भी जाकर अक्सर टीम को हार होती है। तो ये लक्ष्य यहाँ पर 51 रन बना है और 52 रन बनाने के लिए कौसा टीम को काफी पसीना बहाना होगा क्योंकि जब रोहिंजन टीम की गेंदबाजी आती है ना रोशन 51 रन है ना मुझे लगता है 61 रनों की जैसे लगती है। तो यहां पर कौसा टीम को पेनल्टी लगी थी 2 रनों की तो स्कोर जाके पहुंचेगा 53। तो जीत की बात करेंगे 54 रन, देखिए पेनल्टी से कैसे यहां पर टोटल बेहतर बन गया, इसलिए मैं कहता हूं कोई भी टीम गलती मत करिए। चलिए भाई ग्राउंड के अंदर चलिए, नूर पटेल साहब रईस पटेल साहब जिसका यहाँ पर इस सीएम चषक ट्रॉफी रोशन जी जिसका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा जश्न के साथ। चलिए नूर पटेल साहब रईस पटेल साहब मैदान के अंदर, जहीर पटेल भाई भी यहाँ पर उतर चुके हैं
और स्टार हुई टीम चलिए मैदान के अंदर। भाई आपने तो चार चांद लगा दिए, तो स्कोर की बात करेंगे 51 रन और पेनल्टी दो रनों की 53, तो टारगेट की बात करेंगे 54 रन। तर आदरणीय नूर भाई मोहम्मद भाई पटेल यांना विनंती असेल पण या मैदानाच्या आत मध्ये संपूर्ण स्टार ओवे क्रिकेट संघ आपण देखील यायचा। बॅक टू बॅक दोन स्पर्धेमध्ये रनर अप ठरला संघ स्टार ओवे क्रिकेट संघ आणि यामधला एक योगायोग आपण पाहिला तर निकेश मात्रे दोन्ही स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सीरीज देखील ठरला। रोशन जी बिल्कुल थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि जो टोटल में हमने देखी थी थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी स्कोरर से। 54 रन 55 की जरूरत है। चलिए मोहम्मद पटेल साहब, गुलजार पटेल साहब और उनके साथ साथ रईस पटेल साहब, नूर पटेल साहब, क्योंकि ये ट्रॉफी से सम्मान किया जाएगा। और देखिए स्टार हुए ने साबित कर दिए, मुजा मुकदम साहब से भी गुजारिश करते हैं। अमित पटेल साहब अब भी आइए बिल्कुल, क्योंकि स्टार हुए टीम ने कल जो सीएम चषक पर किए कीर्तिमान हम देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। उन्होंने इस ट्रॉफी के साथ सिटी हंड्रेड से मैन ऑफ द सीरीज निकेश मात्रे स्टार हुए। रोशन जी क्या कहना चाहोगे, स्टार हुए टीम ने बता दी कि भाई हमारी अभी भी नहीं हुई है खात्मा क्योंकि हम हैं इस इलाके के विश्वात्मा। यस पण पाहतोय स्टार ओवे क्रिकेट संघ एका वेगळ्या भंडार फॉर्म मध्ये या वर्षी आपण पाहतोय दोन स्पर्धेमध्ये चांगलं यश संपादन केलं ज्यामध्ये दोन्ही संघामध्ये आपण पाहिलं दोन्ही स्पर्धेमध्ये रनर अप ठरला टीम आणि मॅन ऑफ द सीरीज देखील दोन्ही स्पर्धेमध्ये निकेश मात्रेने मिळवली एकाच मैदानावरती स्वर्गीय दीपा पाटील क्रीडानगरीवरती। चलिए भाई एक बार इस टीम के लिए जोरदार हो जाइए ताली क्योंकि ये टीम ने बताया कि सांप में जहर हो या ना हो लेकिन जहरीला बनना चाहिए। और क्या कमाल की क्रिकेट, 9 मुकाबला जीते लगातार सेम चषक पर और दसवां मुकाबला कहेंगे तो रायगढ़ के सभी स्टार थे लेकिन फिर भी वहां पर संघर्ष किए। और मैं हमेशा कहता हूँ रोशन जी के सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज हुई। चलते यहाँ पर समय वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए आइए चौक टीम के कप्तान बारापड़ा टीम के कप्तान हम चलते एक बार मीठी आवाज जिनकी आवाज से काफी होते हैं प्रभावित ओमकार सेट्टी जी से। चला यायचं आहे बारापड़ा संघ संघनायक आणि चौक संघ संघनायक अमीन नाखवे यांच्या हजेरीने नाणेफेक होणार आहे चौथ्या सामन्याची बारापड़ा विपक्ष चौक। चला चौक संघ संघनायक आलेले बारापड़ा संघ आपला संघनायक पाठवायचा आहे। थैंक यू सो मच, गेम इज ऑन। पहला चेंडू इथे आशीष पाटील रफ्तार का सौदागर आणि इथे परतावा लागले का फलंदाजाला आणि सांगिक यश इथे मात्र संपादन करतोय रोहिंजन संघ आणि फलंदाज बाद होतो जयेश रन आउटच्या स्वरूपात। थैंक यू, यहाँ पे टॉस होने जा रहा है बारापड़ा विपक्ष चौक के बीच में। चौथे मुकाबले का टॉस अमीन दाखवे इनके हाथों से होने जा रहा है। काफी अच्छा मुकाबला होने की आशंका है, दोनों टीमें काफी अच्छी टीमें। वॉक इस सरजमीन के ऊपर चौक टीम हालांकि दूसरी मर्तबा खेलने आई लेकिन बारापड़ा टीम जो कि पहली मर्तबा इस सरजमीन के ऊपर आई खेलने के लिए। तो टॉस होने जा रहा है हमारे अमीन दाखवे इनके हाथों से। हेड टॉस जीते बारापड़ा टीम ने, तो अमश यहां पर टॉस जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? बॉल फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, तो कितने रनों के अंदर रोकना चाहेंगे चौक टीम को? 50 to 55 रन। थैंक यू, 50 to 55 रन, गेम ऑन हो रहा है इसलिए ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछ पाएंगे। और चौक टीम बल्लेबाजी करने का मौका मिला, कितने रन यहाँ पर बनाना चाहेंगे? 60 के ऊपर। थैंक यू दोनों टीमों का। और टू कॉमेंट्री बॉक्स ओमकार। थैंक यू सो मच आशीष, इथे मात्र गोलंदाजी करतोय हे लक्ष्य जे 55 च मध्ये तुमच्या समोर जय दुर्गा रोहिंजन खेळतोय म्हणजे इथे 15 रन एक्स्ट्रा आहेत असं पकडून चालावं लागेल। कारण 55 धावेचं लक्ष्य आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती 70 एवढं मोठं बनू शकेल एवढं सामर्थ्य आशिष पाटील आणि जय दुर्गा रोहिंजन टीम मध्ये। कारण आताच एक मोठी टूर्नामेंट जिंकली होती रोहिंजन ट्रॉफी आणि तिथनंतर हा आत्मविश्वास घेऊन हा संघ इथे उतरलाय आमदार चषकामध्ये। गोलंदाज आशीष पाटील तैयार, ओवर द विकेट।
इथे माता चेंडू चांगला होता अचूक टप्पा आणि अचूकतेचा माहेरघर म्हणजे आशीष आणि इथे अजून एक फलंदाजाला परतावा लागेल. टीम स्पिरिट इथे दाखवतोय, फिल्डिंगचा स्टँडर्ड दाखवतोय रोहिंजन आणि अजून एक सांघिक यश इथे संपादन केलंय आणि फलंदाज रन आउटच्या स्वरूपात बाद होतोय. विजय ज्याच्या नावामध्ये जय होतं त्याला इथे परतावं लागेल. थँक यू डीजे. इथे स्ट्रॅटेजी बनवावी लागेल कारण इथनं निलेश भोईर मध्ये क्षमता आहे. त्या मॅच मध्ये एक पात्री अभिनय जो दाखवू शकतोय एवढं सामर्थ्य आहे डाव्या हाताच्या फलंदाजामध्ये आणि डाव्या हाताचे फलंदाज नेहमीच घातक असतात. गोलंदाज इथे तयार. निलेश ऑन स्ट्राईक. इथे मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू फील्ड करत असताना खूप दर्जेदार क्षेत्ररक्षण इथे दाखवतोय आशिष पाटील. नक्कीच 55 रनचं टार्गेट आहे. इथनं एकच सांगेल निलेशला, यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनू सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़ियों से कैसे बनाए आशियाना, बोली तिनका उठाना पड़ता है. तो मैं थेंबे इथे तळ सातवा लागेल. सिंगल डबल वरती लक्ष केंद्रित करावं लागेल कारण समोर एक चांगला गोलंदाज आहे आणि मॅथमॅटिक कॅल्क्युलेट करून नेहमी क्रिकेट खेळावं लागतं कारण क्रिकेट नक्कीच गेम ऑफ इमोशन. तर मग इथे भावना आपल्या जपायच्या असतील तर नक्कीच इथे निलेशला एक चांगला खेळ करावा लागेल. देवेश ऑन स्ट्राईक. अगुट डब्याचा बॉल याच गोलंदाजीसाठी तर जाणलं जात. आशिष पाटीलला परफ्युम बॉल होता फलंदाजाच्या नाकासमोरून हा चेंडू निघून जातोय आणि इथे आशिष पाटील वेगानं डॉमिनेट करत असताना बॅट्समन देवेशला 55 चं टार्गेट आहे. 11 सरासरी जमवायची आहे आणि समोर रोहिंजन खेळतोय ज्या संघानं नेहमीच गोलंदाजीच्या जोरावरती मोठ्या मोठ्या टीमचे धाबे दणानलेत आणि इथे देखील तीच सुरुवात केली आहे. आशिष पाटील उर्फ ब्रेटली वेल बिगनिंग इज हॅव डन असं नेहमीच म्हटलं जातं आणि इथे चांगली सुरुवात करतोय रोहिंजन. इथे फटका चांगला आहे इनफील्डच्या वरनं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप मध्ये. शेतक्षक तिथे तैनात आहे, एकाच एक्शन मध्ये उचलून फेक करतील. तो म्हणतो 2 रन इथे मिळत आहेत बॅट्समन देवेशला आणि याच 2 धावेच्या बरोबरीनं पिवनचं पहिलं षटक इथे आशिष पाटीलचं झालं पूर्ण आणि रन आलेत 55 धावा करताना फक्त आणि फक्त 3 आणि इथे समीकरण बदलत आहे. आपण पाहतो आमच्या व्यासपीठामध्ये खऱ्या तर कर्णाला ग्रामपंचायत माजी उपसरपंच एका नाईट रजनी स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक त्याचबरोबर एक आक्रमक फलंदाज म्हणून त्यांची ओळख आहे. साबीरबाई दळवी यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. स्वागत आहे आपलं आणि तुम्हाला पुढच्या स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल सामन्यासाठी. मोठं आयोजन नाईट टुर्नामेंट आम्ही पाहिलं होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं आम्ही देखील ती टुर्नामेंट खेळलो होतो. ते भाग्य आम्हाला देखील मिळालं होतं. आता खूप चांगलं आयोजन तिथे पाहायला मिळालं होतं साबीरबाई दळवी यांच्या माध्यमातनं. मग इथे पहिलं षटक झालं पूर्ण आणि दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मागवरती प्रणव पाटील इथे तयार होतोय. इथे टार्गेट करावं लागेल प्रणवला कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आलेत. इथे या षटकामध्ये 15-16 धावा कुटावा लागतील जेणेकरून जे आस्किंग रन रेट आहे ते थोडंसं कमी होईल आणि जी सरासरी आता थोडी पुढे गेली आहे नक्कीच ती इथे थोडीशी खाली येऊ शकेल कारण आता प्रतिषटकामागे 13 रन इथे करायचे आहेत. 4 षटके इथे शिल्लक आहेत. 52 धावेची अजून गरज आहे. गोलंदाज इथे प्रणव नक्कीच पहिल्या फेरीतली तिसरी मॅच तुमच्या समोर रंगती आहे. रोहिंजन वर्सेस कौसा या 2 टीम मध्ये प्रणव तयार. पहिला चेंडू इथे फुल टॉस. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक इथे वेगानं प्रतीक. यस आय विल टेक, माझा झेल आणि मी घेणार. आणि इथे या सामन्याचा एक अनमोल मोहरा टिपला जातोय आणि हा झेल नव्हे तुम्ही मला सामना टिपलाय जयदुर्गा रोहिंजननं आणि फलंदाज बाद होतो बिग विकेट निलेश भोईर बॅक टू द पवेलियन. आणि 12 पाडा वर्सेस अंबिका चौक म्हणजे कर्जत परिसरातला खालापूर विभागातला एक दादा संघ पाहायला मिळेल. आदरणीय सचिन दादा मते यांची टीम तुम्हाला पाहायला मिळेल. गिरीश माई, त्यानंतर नेनेश पवार, नक्कीच एक अष्टपलू खेळाडू तुम्ही पाहू शकाल. त्यांना इथे फाईट करेल 12 पाडा हा संघ. दोन्ही टीम्सला हार्दिक शुभेच्छा. इथे मात्र रन लागल्यात धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 3 आणि 3 धावा जमवताना 3 गडी बाद.
इथे देखील लाईन चांगली आहे. आणि का मी सुरुवातीला उल्लेख केला की याच 55 धावा जवळजवळ 70 एवढ्या वाटतील, तर त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण इथे आपल्या गोलंदाजीमध्ये दाखवत असताना आधी सुरुवात केली आशिषनं आणि त्यानंतर प्रणव पाटील इथे डॉमिनेट करतोय कौसा संघाला. इथे लाईन पाहावी लागेल. यस, अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टिकला हा चेंडू होता. इथे नियम क्रमांक 22 नुसार गोलंदाजाला दंडित केलं जाईल. एक रन फलकावरती लावली जाते. प्रत्येक चेंडू इथे डॉट होतोय, प्रत्येक चेंडू इथे बीट होतात फलंदाज, मध्ये कमबॅक करावा लागेल. इथे मात्र लिडिंग एज, अजून एक धक्का, तू चल मै आया, अशी परिस्थिती सध्या तरी पाहायला मिळतीय. आणि या चौथा धक्का इथन लागतोय कौसा या संघाला फलंदाज बाद. थँक्यू डीजे. इथे एका मागे एक खेळाडू बाद होतात. आणि इथे मला एक आठवण होते कवितेची जी सादर झाली होती प्रेमाची सावली या चित्रपटांना सुनील गावस्कर नक्कीच यांनी ती कविता सादर केली होती. जगदीश बेबुडकर नक्कीच यांचं ते वाक्य होतं, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला. आणि ते प्रत्येक चेंडू डॉट जातोय, प्रत्येक बॉलवरती इथे मात्र दडपण वाढतंय ते म्हणजे कौसा संघावरती. त्यामुळे इथे प्रयत्न करावा लागेल, इथे संघर्ष करावा लागेल. मी नेहमी सांगत असतो यू क्रिएट हार्डवर्क गॉट अ सक्सेस. इथे देखील कम्प्लिटली ब्लाइंड स्ट्रोक, चेंडू मागे जातोय. आशिष स्वतः यष्टीरक्षक चेंडूवरती येत असताना जो कॅप्टन आहे टीमचा बॅटिंग करताना देखील खूप चांगली कामगिरी केली. आशिष पाटीलच्या जोडीनं प्रणव देखील चांगला खेळला ज्यानं 10 चेंडूमध्ये 20 रन केल्या. त्यानंतर जर पाहिलं प्रतीकचं देखील महत्त्वाचं योगदान होतं, 12 बॉल 19 रन त्याच्या बॅटमधून आल्या. आणि इथे तब्बल 55 रनचं टार्गेट डिफेन्स करताना पावर प्लेमध्ये कम्प्लिटली बॅकफूटला ढकललंय, प्रेशर क्रिएट केलंय बॅटिंग करणाऱ्या कौसा संघावरती. गोलंदाज प्रणव इथे वपीस बॉल लिडिंग एज, चेंडू मागे जातोय शॉर्ट थर्डमॅनला, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे मुकेश. आणि एक रन इथे मिळेल मुकेशच्या जोडीनं बॅकअप देण्यासाठी. तिथे वैभव आले होते, कोण विसरल्या वैभवला, एक बॉल साधावीची गरज असताना याच खेळाडूनं षटकार देखील ठोकला होता. याच मैदानावरती हा इतिहास आहे जय दुर्गा रोहिंजनचा. इथे फुल टॉस संधी होती आणि संधीचं सोनं देखील केलं, सरफ फेकून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यस इज दस, दिस इज अ मॅसिव्ह बिग इट. थँक्यू डीजे. ताकद आणि टायमिंगचा सुरेख संगम तुम्हाला पाहायला मिळाला. स्वीटली टायमिंग केलं होतं, फुल टॉस होता, एलिव्हेशन देखील तेवढं चांगलं मिळालं. आणि षटकाराने इथे संघर्ष करतोय तो म्हणजे कौसा हा संघ. आणि षटकार इथे ठोकलाय बॅट्समन प्रशांत न, आणि धावफलक इथे जाऊन पोहोचलाय. आफ्टर 2 ओव्हर्स स्कोर मोज ऑन 12, लॉस ऑफ 4 विकेट, टार्गेट आहे 55 रन्स. आणि इथे अजून खूप संघर्ष करायचा. आणि जेवढा मोठा संघर्ष तेवढा मोठा विजय असं नेहमीच म्हटलं जातं, जितना कठीण संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी. तर मग इथे संघर्ष करावा लागेल या टीमला, बॅटिंग इथे करावी लागेल एका बाजूनं प्रशांत आणि त्याला साथ देत असताना फलंदाज भारत गायकरला, कारण 18 बॉल इथे बाकी आहेत आणि 18 बॉलमध्ये 43 रन इथे करायचे आहेत. पण क्रिकेटमध्ये काही अशक्य नाही आहे, फक्त तुमच्या बॅटमध्ये सामर्थ्य असायला हवं. आशिष सेकंड स्पेलमध्ये फुल टॉस आहे, फटका चांगला आहे, मध्ये क्षेत्ररक्षक येतो अतिशय वेगानं मिड विकेटला, प्रतीक पाटील व्हेरी गुड फिल्डिंग. या टीममधील एक अव्वल दर्जाचा क्षेत्ररक्षक आहे प्रतीक. आणि या टीमचा विचार केला तर फिल्डिंगचं स्टँडर्ड आधी या टीमनं शिकलं, त्यानंतर हा संघ थोडी थोडी फलंदाजी करू लागला. म्हणजे जशी या टीमची गोलंदाजी ताकद बनली तेव्हा नेहमीच या टीमनं टॉस जिंकून बॅटिंग केली आहे आणि समोरच्या टीमला डॉमिनेट केलंय. हा इतिहास आहे आजवरचा आणि मागचे 3 वर्ष अजिबात मागे वळून पाहिलं नाही आहे जय दुर्गा रोहिंजन या संघानं. इथे देखील टप्पा चांगला होता, खुलबट टप्प्याचा चेंडू बॅकफूटला येऊन हा ब्लॅकनं इथे फ्लिक करत असताना एक रन नक्की जिथे मिळेल. आणि एका धावेनं धावफलक इथे पुढे जात आहे. टीमची टोटल फलकावरती 4 गडी बाद 14. असं काही नाही आहे की इथे तुमचं सर्व काही संपलंय. जेव्हा काही सर्व काही संपलं तुम्हाला वाटतं तीच वेळ असते नव्यानं काही सुरुवात करण्याची, कारण ज्यावेळी तुम्ही
विजय सहजासहजी मिळवता त्याला जास्त आनंद नसतो, कारण विजय शौर्याचा अलंकार आहे, तो मागून मिळत नाही, त्यासाठी झगडावं लागतं। मग इथे आशिष पाटील समोर इनसाइड आउट लगवण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू कधी आला आणि कधी यष्टी उद्ध्वस्त केली हे फलंदाजाला समजलं नाही आहे। मग इथे परतावं लागेल आणि हा पाचवा धक्का भारत गायकर्षण नावानं कौसाय संघाला। आणि अजून एक संघ नक्कीच इथे उतरेल कर्नाळा परिसरात ना बारापाडा आणि त्यांना फाईट करेल इथे मात्र अंबिका चौक। नक्कीच दोन्ही टीम्स ना आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोरूनच मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच जे डगआउट आहेत तिथे तुम्हाला जाऊन थांबायचंय। तर ओंकार याच दरम्यान मी मान्यवरांना विनंती करेन, आदरणीय सचिनजी मध्ये चौक, त्यानंतर डॉक्टर आशिषजी पवार यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती, निकेश मात्रे आणि यांचे संपूर्ण आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे आपण यायचं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। नक्कीच दुसऱ्यांदा या मैदानावरती दाखल होतंय अंबिका चौक, लास्ट टाइम ज्यावेळी आलं त्यावेळी अपयशला, मग आज मोठी स्वप्न घेऊन उतरावं लागेल अंबिका चौकला। इथे फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक दूर आहे चेंडू साइड स्क्रीन समोर, मग वन बाउंस तिथे चेंडूला फील्ड केलं जाईल, तो म्हणतं इथे रन मिळत आहेत दोन आणि दोन धावेनं संघ पुढे जातोय। टीमची टोटल फलकावरती 16 इथे पाहायला मिळते, 55 रनचं टार्गेट आहे आणि टेनिस क्रिकेट डॉटिंगच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही लाईव्ह एन्जॉय करताय। 2003 नक्कीच क्रिकेटला ग्लोबल करणारी, क्रिकेटला ग्लॅमर करणारी पहिली वेबसाईट संतोष नाणेकरच्या संकल्पनेतनं आणि तदनंतर अनेक वेबसाईट सोशल मीडियावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात। या विभागाचा विचार केला तर प्राप्ती लाईव्ह असेल, तदनंतर PTC नक्कीच 10 Creek अशा अनेक वेबसाईट तुम्ही पाहिल्यात। आपण जर डोंबिवलीमध्ये गेलो तर SMD GTC नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि ही टूर्नामेंट नक्कीच लास्ट इयर ज्यावेळी झाली आणि या विभागामध्ये पहिल्यांदाच संतोष नाणेकरनं लाईव्ह टेलिकास्ट नक्कीच इथूनच सुरुवात केली आणि आज देखील मोठ्या उंचीवरती जाऊन पोहोचली आहे टेनिस क्रिकेट .in ही ऑफिशियल वेबसाईट, कारण 2 लाख ऑफिशियल सबस्क्राईब देखील आहेत, गुगल व्हेरीफाईड चॅनल आहे आणि पूर्णपणे नक्कीच एक दर्जेदार प्रक्षेपण तुम्ही पाहू शकाल। 1080ची क्लियारिटी क्वालिटी तुम्हाला पाहायला मिळती आहे आणि इथे 2 रन पूर्ण होत आहेत आणि धावफलक 2 पुढे जाईल। टीमची टोटल फलकावरती पाहायला मिळती आहे 18। सध्या हा नंबर खूप चर्चेत आहे, कॅप्टन ऑफ इंडियन टीम चिकू अर्थातच विराट कोहलीचा जर्सीचा नंबर इथे तुम्हाला पाहायला मिळतो 18 आणि इथे षटक पूर्ण झाली आहे 3 बनवायचे होत्या 55, सरासरी होती 11 आणि 3 षटकामध्ये 6 सरासरीनं 18 आलेत। इथे 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 37 रन इथे करायचे आहेत।
आणि 55 रनचं टार्गेट इथे मात्र सहज डिफेन्स केलं जाईल का? आता हे चित्र आतापर्यंत पाहायला मिळतात की ओमकार पाटील नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येईल. एक ओमकार पाटील मिस्टर 360 या नावानं जाणलं जातं. काल काय बॅटिंग केली नक्कीच गोडच्या नाईट रजनीमध्ये. STCPL मध्ये देखील अर्धशतक जगावलं आणि अनेक नक्कीच मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंट गाजवलेत ओमकार पाटीलनं. प्रेमनाथ 11 मुरबी असेल, व्यावसायिक क्रिकेट खेळताना गावदेवी गावठाणच्या माध्यमातून असेल, अनेक मोठ्या मोठ्या टीमची दारं देखील ठोठावली आहेत त्या खेळाडूनं. प्रतीक तयार, इथे देखील फटका चांगला आहे मात्र सिंगल डबल ना नक्कीच इथे लक्ष पार होणार नाही आहे. कारण एक रन धावल नक्कीच तुम्हाला हळूहळू पुढे सरकवेल. मग जे टार्गेट तुम्हाला अचीव करायचं, जे ध्येय विजयाचं तुम्हाला पार करायचं आहे ते मिळणं इथे कुठेतरी कठीण आहे. कारण आता सांगितलं विजया शौर्याचा अलंकार आहे तो मागून मिळत नाही, त्यासाठी झगडावं लागतं, मेहनत करावी लागते, घाम गाळावा लागतो. बाटांपाटमधनं ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑफला कॉपी बुक स्टाईल हा स्ट्रोक इथे नक्कीच लगावला गेला. मग या स्ट्रोकला तेव्हाच नक्कीच पाहणं प्रेक्षकांना आवडतं ज्यावेळी तुम्ही मोठे फटके लगावता त्यांना तर हा ड्राईव्ह तुमच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळतो. मग तिथे मोठे फटके येत नाही आहेत, सिंगल डबल ना हे धावफल खलत आहे. स्कोमोझन 22 अजूनही इथनं 33 रनची गरज आहे. गोलंदाज तयार, ऑन साईडला शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, पुल करत असताना हिटमॅन रोहित शर्मा स्टाईल इथे मात्र पुल अनसक्सेस ठरलाय आणि तब्बल 6वा गडी इथे गमावेल तो म्हणजे कौसा संघ. थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान आपण पाहतोय आदरणीय चौगावचे एक चांगलं व्यक्तिमत्व सचिनजी मध्ये आणि त्यांच्या समवेत डॉक्टर आशिषजी पवार यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. स्वागत आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तसेच 12 पट आणि चौक नक्कीच दोन डगआउट आहेत आणि दोन्ही टीम्सनं नक्कीच एक एक डगआउट मध्ये नक्कीच आपलं स्थान निश्चित करायचं आहे. तुमचा 12th मॅन तिथे असेल आणि तुमचा 13वा खेळाडू नक्कीच आमच्या सोबत इथे जोडला जाईल. सचिन दादा मध्ये यांचं आगमन होतं, स्वागत आहे सचिन दादा. नक्कीच राजकीय क्षेत्रातला एक मोठा खेळाडू आहे आणि क्रिकेट जगतातलं देखील मोठं नाव आहे. इथे काही एक्स्ट्रा रन नक्कीच मिळतील. यस, बॅट कट आहे. अंपायर जावेद फरीद सर स्वतःला खूप मेंटेन ठेवलंय, त्यानंतर त्यांना साथ देतात माहुलगाववरनं आमचे दुसरे ऑफिशियल्स आणि ते धावफलक नक्कीच थोडस नाजूक स्थितीमध्ये. कारण असं म्हटलं जातं लहरो से डरकर नौका पार नाही होती, कोशिश करणे वालो की कभी हार नाही होती. मग या मॅच मध्ये काय घडलं मैदानाच्या आतमध्ये तर संघर्ष अजिबात केला नाही आहे. आणि क्रिकेट म्हणजे काय तर क्रिकेट म्हणजे संघर्ष. जिथे संघर्ष पाहायला मिळेल तिथेच आनंद तुम्हाला मिळत असतो. नक्कीच पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करत असताना ग्राउंड स्ट्रोक इथे जास्त लगावले जात आहेत. मग एकेरी दुहेरी धावे ना काही होणार नाही आहे. कारण नेहमीच असं म्हटलं जातं बिना हवा से क्या फूल खेलेंगे, जब तक बारिश ना अरे के दुखे से क्या मुकाबला जीत पाएगी एक कौसा टीम, जब तक चौके और छक्के ना. मग नेक्स्ट मॅच मध्ये प्रेक्षकांना नक्कीच अपेक्षा असतील चौक आणि 12 पटा टीमच्या माध्यमातून. नक्कीच हा सामना थोडासा एकतर्फा झाला, मागची मॅच देखील थोडीशी वन साईड झाली. उसर्ग संघाने एक मोठं लक्ष लावलं, ते देखील डिफेन्स केलं. या मॅचमध्ये देखील जर विचार केला तर 55चं टार्गेट डिफेन्स केलं गेलं. म्हणजे पहिल्या सेशनमध्ये जो संघ बॅटिंग करतो रोशन त्या टीमला कुठेतरी बेनिफिट मिळतोय. पैसे 12 पडा आणि चौकमध्ये काय घडेल. इथे मग आता चेंडू जाईल सरळ बॅक टू द बॉलर. क्षेत्ररक्षक येतोय, इथे थोडंसं थ्रम्बलिंग नक्कीच झालंय. मग तिथे वे निघून गेली आहे. सिंगल डबल ना नक्कीच धावफलक जरी हलत ठेवलं असलं फक्त जय आणि पराजयमधलं अंतर कमी केलं आणि आमचे नक्कीच 12th मॅन थोडेसे नाराज होत आहेत. कारण अपेक्षा होत्या त्याला स्पेशली निलेशकडनं. कारण ज्यावेळी दोन्ही खेळाडू बाद झाले तरी ते सांगत होते की निलेश मॅच कम्प्लीट करून देईल. मग निलेशची विकेट देखील स्वस्तात गेली इथे झेल हवेमध्ये आणि प्रतीक पाटील इथे टिपतो चांगला झेल आणि अजून एक धक्का इथे लागतोय कौसा या संघाला कम्प्लिटली बॅकफूटला. तर आपण वळूया मान्यवरांचं स्वागत समारंभ अतिथी देव भो आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. स्टार क्रिकेट क्लब ओवे आयोजित आमदार चषक 2018 या स्पर्धेमध्ये आज या स्पर्धेसाठी ज्या मान्यवरांनी आपला अमूल्य वेळ दिलाय तर नक्कीच विनंती करेन या ठिकाणी अंबिका चौक अंबिका स्पोर्ट्स संघाचे खंदे समर्थक आणि राजकीय क्षेत्रामधील एक उत्तुंग भरार घेणारे व्यक्तिमत्व सन्मान्य सचिन मध्ये सरांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठासमोर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आपल्या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून विनंती असेल रईसभाई पटेल साहेबांना आपल्या शुभ असे
रईसभाई पटेल साहेबांच्या शुभास या ठिकाणी सचिन जी मध्ये साहेबांचा सन्मान होतोय. एक उत्कृष्ट राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर आणि त्यानंतर अंबिका स्पोर्ट्सच्या एक चांगले असे संदे समर्थक आणि त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या स्पर्धा चौक परिसरामध्ये घडतात त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. आणि त्यानंतर मी विनंती करेन मान्यवर आदरणीय